अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद कामरान हलील फ्रॉम यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स गुरुज। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था रिलेटेड विद द लाइट, और लाइट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है। फिर आपके पास हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंस क्या है रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लाइव सेशन में। अगर किसी ने वो सेशन मिस कर दिया तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, ताकि आप लोग जो है वो उसको भी देख सकें। फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज़ किए थे, थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने यूज़ किया था साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसके बाद हमने किया था रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। और रिफ्रैक्शन की बेसिक रीज़न क्या बताई थी, रिफ्रैक्शन की बेसिक रीज़न हमने आप लोगों को बताई थी ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी। क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपके पास ऑब्जेक्ट मूव करके जाता है तो फिर उसमें डेंसिटी चेंज होती है। सो डेंसिटी चेंज होने की वजह से लाइट स्ट्रेट नहीं जाती, बेंड कर जाती है लाइट, और जैसे वो उस मीडियम से बाहर आएगी फिर लाइट दोबारा बेंड करेगी, उसकी स्पीड फिर इंक्रीज करेगी। फॉर्मूला जो हमने इसके अंदर यूज़ किए थे, एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। फिर हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया एन इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था, जब लाइट रे जाती है आपकी एयर टू ग्लास, इट मीन्स फ्रॉम लेस डेंसर मीडियम टू मोर डेंसर मीडियम, फिर हम लोग यूज़ करेंगे एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। लेकिन अगर लाइट आपकी जाएगी फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम, ग्लास से एयर में, देन वी विल यूज़ एन इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था जी एक और फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है तो दो चीज़ों में चेंज आती है, एक तो डायरेक्शन चेंज होती है और दूसरा लाइट की स्पीड। लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम एयर 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो लाइट की स्पीड स्लो होती है। सो उसके लिए फिर जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं n that is equal to c over v, where c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in that particular medium. इसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी पास पेपर से, आपके पेपर जोन से हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेस देन अ मंथ इज लेफ्ट इन योर पेपर्स। सो आप लोगों ने जोन से इन टॉपिक्स की आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। लाइट वाले चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, रेदर सेक्शन ए सेक्शन बी, एमसीक्यूज में भी आते हैं आपके पास 3 से 4 एमसीक्यूज, और एटीपी में भी इसका क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर एक साल के अंदर इसका क्वेश्चन आ जाता है। सो लाइट वाले चैप्टर पर अगर आपने ग्रिप कर ली तो इट मीन्स कि आप जो है वो अराउंड 30 नंबर्स को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। 15 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो वो आएगा सेक्शन बी में। इसके बाद 10-12 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है एटीपी के पेपर में, और फिर आपके पास 3 से 4 एमसीक्यू आते हैं एमसीक्यू के पेपर में, जाहिर है एमसीक्यू का पेपर है तो एमसीक्यू के पेपर में आएंगे। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर ग्रिप करनी है। जो आज के हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं, हमने यानी मैंने और मेरे आइडेंटिकल जुड़वान है, तो ये तशरीफ लेके आ रहे हैं जनाब रिजवान हलील साहब। क्या हाल है भी, कैसे हो आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं यार ठीक हूँ, बस बच्चे जो है ना वो कहते हैं जी हमें लाइट कुछ लेंजेस का नहीं पता चलता, कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नहीं पता चलता, इसके अंदर कौन सा लेंस यूज़ किया जा रहा है, मोबाइल के अंदर कौन सा लेंस यूज़ किया जा रहा है। और एक चीज़ जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मिरर,
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है विदाउट एनी मिरर? बिल्कुल, ये नेचुरल रिफ्लेक्शन है। कौन सी रिफ्लेक्शन है? नेचुरल रिफ्लेक्शन है। सो आप कौन सा टॉपिक आज बता रहे हैं जिसके ऊपर हम दोनों ने डिस्कस करना है ताकि बच्चों को समझ आए? वो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज का टॉपिक। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, और डेफिनेटली लास्ट इसका टॉपिक होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, के आप ये जो ग्लासेस यूज करते हैं इसके अंदर शॉर्ट साइटेड है या लॉन्ग साइटेड है, और इस डिफेक्ट को कैसे आपने जो उनसे वो रिमूव करना है। सो रिजवान, अब आपको दोनों से वो एक्सप्लेन करते हैं। ये लीजिएगा जी, ये सिलेंडर इसका जो उनसे, ये भी आपका हुआ। ओके जी, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक इस रेफरेंस से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑफनली पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम्स गिवन होती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी नहीं होगी, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। सो इसके लिए टॉपिक को शुरू करना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या कंसिडर करूँगा, एक सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब, ठीक है जी, क्या मैंने यूज़ की सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब। सर्कुलर ग्लास स्लैब मीन्स कि वो पूरी की पूरी होगी, और सेमी सर्कुलर का मतलब है वो हाफ ऑफ द ग्लास स्लैब होगी। ऑब्वियसली अगर ये ग्लास स्लैब है तो फिर ये कौन सा मीडियम होगा? ग्लास बहुत डेंसर मीडियम होता है जी। हाँ जी, ग्लास स्लैब जो है वो डेंसर मीडियम है, और ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग में एयर जो है वो कौन सा मीडियम है? एयर लेस डेंसर होगी, क्योंकि एयर एक गैस है और गैस की डेंसिटी हमेशा कम होती है। ओके, अब इसके अंदर ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.5, बिल्कुल ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बिल्कुल ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ओके, अब लाइट रे, ये थोड़ी सी डायग्राम शायद इसको पोलियो हो गया, ये मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ओके जी, ऑलरेडी हम एक चीज़ पढ़ के आए थे। क्या चीज़ पढ़ के आए थे? कि अगर लाइट रे एक पर्टिकुलर एंगल पे डेंसर मीडियम में एंटर हो, लाइटर से डेंसर या डेंसर से लाइटर में, तो रिफ्रैक्शन नहीं होती। किस एंगल पे रिफ्रैक्शन नहीं होती थी? यार मुझे याद है आपने वो एक साइन ऐसे बताया था मुझे, इसका मतलब है कि मेरे इन दोनों हाथों में कितना एंगल बना, 90। तो लाइट जब आपके पास परपेंडिकुलरली एंटर होगी फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो फिर लाइट रे बेंड नहीं होगी बल्कि वो स्ट्रेट जाएगी। ओके, अब यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ कि इस जगह पे ये मैंने एक सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब बना दी, स्लैब बना दी। ओके, अब इसमें मैं एक लाइट रे कंसिडर करता हूँ। ओके, तो रे के लिए क्या ड्रॉ करना जरूरी है? लाइन ड्रॉ कर देंगे तो रे कंसिडर होगी? लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो रे नहीं होगी। रे के लिए हमेशा याद रखें एक चीज, आपने इसके ऊपर एरो साइन जरूर मार्क करना है, विदाउट मार्किंग एरो साइन आप उसको रे नहीं कह सकते, और इसके फिर मार्क्स भी आपके जो उनसे वो डिटेक्ट होते हैं। तो रे ड्रॉ जरूर करनी है विद द हेल्प ऑफ द एरो साइन, अदरवाइज आपको मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। ओके, अब ये रे किस तरफ मूव करेगी, लेफ्ट वर्ड बेंड होगी या राइट वर्ड बेंड होगी? अच्छा मुझे ये देखने दो इसका एंगल। अच्छा जी, एंगल इस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ किया गया 90 डिग्री, सो इट मीन्स लाइट रे विल गो स्ट्रेट। क्यों स्ट्रेट जाएगी? बिकॉज यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, यानी लाइट रे इसके ऊपर फॉल कर रही है परपेंडिकुलरली, तो लाइट रे जो है वो अनडेविएटेड रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो पहली डायग्राम अगर आपके पास पेपर में आता है जी के शो दैट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो आपने सबसे पहले डायग्राम नंबर 1 ड्रॉ करनी है, और आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे दैट रे नंबर 1 इज फॉलिंग एट द सर्फेस ऑफ एंगल ऑफ 90 डिग्री, so it will go straight. Okay, now let's suppose के अगर आपके पास ये क्या चीज़ है? ये मार्कर है, रे बॉक्स है। सपोज ये क्या चीज़ है?
मार्कर तो ऑब्वियसली है, लेकिन मैंने इसे क्या अज्यूम किया, ये रे बॉक्स है। अब मैं इस रे बॉक्स को अगर टिल्ट कर देता हूँ, ऑब्वियसली फिर एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ओके, अब डायग्राम नंबर टू में अब मैंने यहां पे इसको बेंड कर दिया रे बॉक्स को। जब मैं रे बॉक्स को बेंड करूंगा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज हो गया, अब 90 डिग्री नहीं रहेगा। अब लाइट ट्रेवल कर रही है किस मीडियम से कौन से मीडियम में, डेंसर से लाइटर मीडियम में। अगेन दिस वाज द डेंसर मीडियम, दिस वाज द लाइटर मीडियम। सो ऑलरेडी हमें पता है कि जब लाइट रे ट्रेवल करती है डेंसर से लाइटर मीडियम में तो बैंड मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या पॉइंट हमने पढ़ा था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम देन इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फिर ऑब्वियसली अब यहां पे क्या अकर होगी, रिफ्रैक्शन। ये मेरे पास बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बना जी, एक बना एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा क्या बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हुई, फर्स्ट डायग्राम में रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हुई थी, बिकॉज लाइट वॉज इंसिडेंट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्यों हुई, बिकॉज नाउ एंगल वॉज अदर देन 90 डिग्री। ठीक है जी, सो एंगल जो था वो अदर देन क्या था, 90 डिग्री था, तो इसलिए वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गई। अब डायग्राम नंबर थ्री, अब मैं और जो है वो क्या करता हूँ कि इस रे बॉक्स को और मैं बेंड कर देता हूँ। ओके कामरान, आप मुझे यार बताओगे कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके पास होता है जी जिस डायरेक्शन में लाइट रे जाके स्ट्राइक करती सरफेस को और परपेंडिकुलर के दरमियान या नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये वाला होगा। सर आपने तो मुझे कश्म में डाल दिया, आपने इतने एंगल बता दिए, मुझे तो लगता है कि सारे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन ठहरे ठीक है। इंसिडेंट रे के दरमियान जो मुझे याद आ रहा है, जो लास्ट टाइम आपने मुझे बताया डेफिनेशन क्या थी एंगल ऑफ इंसिडेंट की, एंगल ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन थी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यस आई गॉट इट। जरा थोड़ा फासले पे खड़े हूँ, ठीक है सर आप भी फासले पे रहें। हाँ जी, तो कौन सा एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल। ओके लेकिन ये एंगल तो प्रीवियस डायग्राम के एंगल से बड़ा हो गया। ऑब्वियसली तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो गया। अच्छा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया यहाँ पे, आर मेरे 90 डिग्री बन गया। बिल्कुल, आर जो है वो इज इक्वल्स टू बन गया 90 डिग्री, और ये तो सरफेस के पैरेलल आ गया। बिल्कुल, जो दोनों सर्फेसिस या वो पार्ट ऑफ द मीडियम जो इन दोनों सर्फेसिस को सेग्रीगेट कर रहा था, सेपरेट कर रहा था, वो रे उसके अलोंग क्या करना शुरू कर दिया, उसने मूव करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक। ओके, अब जरा गौर से सुनना यार। मैं गौर से सुन रहा हूँ, ये देखें जी, मैं गौर से सुन रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट for which angle of refraction is 90 degree for which called, angle of refraction is 90 degree is called critical angle। याद आ गया, बिल्कुल ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव था जो हमने आज इन लोगों को सिखाना था। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन थी
So the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called a critical angle. Suppose k if this is equals to 30 degree. अब हमने इसकी एक वैल्यू रख, अब इससे कभी भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं कहेंगे. अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम भी खत्म हो गया. अब इसे हम हमेशा क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल. इस जगह पे मैं इसको कह सकता हूँ क्रिटिकल एंगल? इस जगह पे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आर की वैल्यू 90 से कम है, जैसे कि डायग्राम में हमें पता चल रहा है. तो इसलिए इस डायग्राम में इसको हमेशा क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इस डायग्राम में कहेंगे इसको क्रिटिकल एंगल. तो ये चीज आपने याद रखनी है. फिर दोबारा रिपीट कर लें, डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है पेपर में और इसमें ये पूछा होता है व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम. डेफिनेटली इट विल बी इन लाइटर मीडियम और इन रेयर मीडियम. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. ओके, फॉर्मूला इसका क्या होता है? हाँ, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं इधर पहले फार्मूला लिख देता हूँ. एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बेसिक फार्मूला पढ़ के आए थे वो था साइन आई ओवर साइन आर. दूसरा था एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर, वो तो ऑब्वियसली जब हम वो मीडियम चेंज करेंगे, सी ओवर वी फॉर द स्पीड ऑफ लाइट. वो पहले भी मैंने इन द बिगनिंग आई हैव एक्सप्लेन. और अब एक नया फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी. अच्छा 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 ठीक है. यानी अब ये नया फार्मूला आ गया विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्रिटिकल एंगल गिवन होगा तो वी कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा तो वी कैन फाइंड क्रिटिकल एंगल. ऑब्वियसली इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना आना चाहिए. तो कैलकुलेटर के अंदर आपने जो है वो साइन इनवर्स भी फाइंड करना है. एक सर इनको यहाँ पे बता दो. लेट्स सपोज के हमारे पास है जी सी की वैल्यू है, एन गिवन है 1.5. वो तो फिर हम वो उसकी तो हमने सी कैलकुलेट करना है ना. एन इज इक्वल टू, कैलकुलेटर है आपके पास? मुझे ऐसे जुबानी याद है, मैंने क्वेश्चन याद. एन इज इक्वल टू 1.5. सो क्रिटिकल एंगल इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. ओके जी, सो अब इसका फार्मूला जो है वो 1.5 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी. ठीक है, ऑब्वियसली हम इन्हें आपस में क्या कर देंगे? इनको कर देंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई. वो ऊपर वो साइन सी बाय वो ऊपर वो नीचे. 1.5 इज इक्वल्स टू 1 और यहां से सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ओवर 1.5. अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जो है वो 1 ओवर 1.5 फाइंड करोगे और फिर उसका क्या कैलकुलेट करोगे? उसका फिर साइन इनवर्स. तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 41.98. इट्स मीन कैसे हम लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 42 डिग्री. सो ग्लास के अंदर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका, उसके अंदर जो आपके पास क्रिटिकल एंगल है उसका आंसर कितना आता है जी? थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, बच्चों को देखने दो. तो उसका आंसर कितना आता है? 42 डिग्री. चले आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके जी, सो अब यहाँ पे हमने जो इस मीडियम के लिए सपोज किया कि इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो कितना बना? 30 डिग्री. अब नेक्स्ट डायग्राम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं करने लगा. यहाँ पे क्रिटिकल एंगल था 30 डिग्री. अब नेक्स्ट डायग्राम में मैंने क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से मैंने लार्ज कर देना है. एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर देना है. ओके, अब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. अब क्या हुआ? आप जरा गौर से आप देखो भाई, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया? ग्रेटर. यहाँ पे भी क्या हो रही थी? रिफ्रैक्शन. यहाँ पे भी स्टिल क्या हो रही थी? रिफ्रैक्शन. ऑल्दो के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था, बट स्टिल यहाँ पे भी क्या हो रही थी? रिफ्रैक्शन. बट अब यहाँ पे लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में गई और वापस उसी मीडियम में आ गई. इसका मतलब है कि लाइट ने अब अपना मीडियम चेंज नहीं किया
और ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके थे ये वाला जो फिनोमिना है जिसमें लाइट इस तरीके से ट्रेवल करके सेम मीडियम में जाके उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि सारी की सारी लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ गई तो इसलिए इस फिनोमिनन को क्या हम कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इस फिनोमिनन को? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसमें फिर हम अप्लाई कर सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। सपोज कि अगर ये 41 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो 41 डिग्री ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कहना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब तक कह सकते थे? जब तक r इक्वल टू 90 था या लेस देन 90 था तब तक हम उसे कह सकते थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन अब क्योंकि लाइट रे मूव की डेंसर मीडियम में, स्ट्राइक की सेग्रीगेटेड जो सरफेस उन दोनों मीडियम्स को करती थी और वापस उसी मीडियम में आ गई, तो अब इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन सर यहाँ पे तो हमने कोई मिरर यूज ही नहीं किया, तो फिर लाइट रे कैसे हमने रिफ्लेक्ट कर ली? क्या दो कंडीशंस आप मुझे बताएं। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सम टाइम वो कंडीशंस भी पूछ लेता है। कितनी कंडीशंस? दो कंडीशन होती है और दो ही वो पूछता है, लेकिन मुझे नहीं आती। झूठ बोलते हो यार, आती हैं क्यों नहीं आती? आपको आजमा रहा था कि आपको आती है कि नहीं आती। ओके जी, देर आर टू कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर वन, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू लाइटर मीडियम, ये कंपलसरी है। अगर वो डेंसर से लाइटर मीडियम में जा रही है तब वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर लाइटर से डेंसर में जाएगी तो इसका मतलब है कि वो मूव टूवर्ड्स नॉर्मल है, तो वो फिर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन हमने ये जरूर लिखनी है कि लाइट रे विल गो फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम, या डेंसर टू रेयर मीडियम या लाइटर मीडियम। अच्छा, मैं आज गाड़ी ड्राइव करके डिफेंस से जब यहाँ पे आ रहा था लाइव सेशन करने के लिए, तो रोड के ऊपर मुझे दूर, बहुत दूर पानी नज़र आ रहा था, लेकिन मैं पास गया, पानी था ही नहीं। यार आंखों का धोखा होगा। अच्छा, लेकिन ये आंखों का धोखा तो लोग देते हैं, सड़क ने कैसे आंखों का धोखा दे दिया? उसके पीछे क्या लॉजिक है? यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉट एयर है। ओके, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, और ऑब्वियसली दो मीडियम, एक हॉट और एक कोल्ड, तो उसकी वजह से फिर कौन सा फिनोमिना होता है? ठीक है ठीक है, और उसमें मेरी एंगल जो है वो इस तरह चल रहा था कि मुझे जो है वो आगे पानी नजर आ रहा था। रेगिस्तान में तो लोग इसी तरह बेचारे पानी की तलाश की आस में मारे मारे फिरते हैं, वो समझते हैं वो रहा पानी, लेकिन वहाँ पे पानी होता नहीं, फिर वो कहते हैं नहीं थोड़ा आगे है, इस तरह उनको आखिरकार पानी मिल ही जाता बेचारे लोगों को। हाँ, तो बस अब दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी? इसकी अब ये मेरे ख्याल ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना लिखा 41। अच्छा 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 ठीक है। सो इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। याद आ गया मुझे, डायग्राम देख के ना काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अच्छा, पेपर में जो है वो यूजुअली अगर उसने ये वाली डायग्राम दी है ना, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, तो इसके लिए हम एक चीज़ तो लिखेंगे कि वो फिनोमिना कौन सा है, क्या लिखेंगे? दिस इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसकी रीज़न क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड नंबर टू लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम, तो दिस इज द रीज़न। सो अब एक दफ़ा इसको आप रिव्यू कर दो। मैं सो देख देता हूँ, बिल्कुल मैं जरा बाकी चीज़ें एक दफ़ा चेक कर लूँ कि नेक्स्ट हमने जो है वो क्या करना है। एक दफ़ा इसके पॉइंट्स आप जो है वो एक्सप्लेन कर दो। मैं रिव्यू कर देता हूँ जी इस टॉपिक को, सो दैट द समराइज फॉर्म फॉर दिस टॉपिक हमने जो उनसे वो डिस्कस किया था जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो डायग्राम नंबर वन, इन डायग्राम नंबर वन वी हैव डिस्कस दैट व्हेनेवर द लाइट रे विल गो स्ट्रेट
it means that it is entering from one medium to the other medium at an angle of 90 degree. Then in the second diagram mein humne kya observe kiya hai ke second diagram mein jab light ray ja rahi hai humne usko thoda sa ray box se usko thoda sa tilt kiya hai to usne ek angle draw kar diya with the perpendicular. तो वो जो एंगल परपेंडिकुलर के साथ ड्रॉ किया है दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और लाइट रे अब जा रही थी क्योंकि ग्लास से एयर में, सो बोर्ड डेंसर से जब लेस डेंसर में जाएगी तो वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो सेकंड डायग्राम जब आपने ड्रॉ करनी है यू विल राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन, आप इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिख देंगे. देन इन द थर्ड डायग्राम अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं. जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी तो यार आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल से अवे जाता जा रहा है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल दूर होता जा रहा है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सरफेस के पैरेलल आ जाएगा, वो जो दो मीडियम है उनकी बाउंड्री के पैरेलल आ जाएगा. इट मीन्स के नॉर्मल के दरमियान और इसके दरमियान जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे थी उसके दरमियान एंगल अब कितना बनेगा, 90 डिग्री. सो जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो उस वक्त ये जो एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका हमने एक पर्टिकुलर नाम देना है, टोटल क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन डेंसर मीडियम. उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने जो है वो इंक्रीज किया और इतना इंक्रीज किया कि आपके पास लाइट रे जो है वो ऑलरेडी पहले परपेंडिकुलर के ऊपर थी, आहिस्ता आहिस्ता परपेंडिकुलर से बेंड होती गई अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, देन इट विल रीच ऑन द सरफेस. और भाई इसके बाद अब इसने कहाँ जाना है, ये वापस तो नहीं जा सकती ना लाइट रे, तो इसके बाद लाइट रे ने उसी मीडियम के अंदर टर्न बैक करना है. तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने कोई मिरर यूज़ नहीं किया. टेक्निक क्या यूज़ की है, टेक्निक हमने ये यूज़ की है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए उसका कॉन्सेप्ट हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है. और इम्प्लीमेंट इस तरह किया है कि दो कंडीशन हमने फुलफिल की है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंडीशंस लिखना बहुत ज़रूरी है. नंबर वन, दैट रे शुड गो फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम, इसके बगैर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. एंड सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. अगर तो ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती हैं, इट मीन्स कि आपने जोन सा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे तरीके से जोन सा वो अचीव कर लिया. अगर आपके पास ये कंडीशन अचीव नहीं हो पा रही तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते. इसकी जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन यूज़ की जाती हैं, डेली लाइफ में इसकी जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती हैं, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट में आप इसको यूज़ करते हैं. आप जोन सा वो हाई स्पीड इंटरनेट जब आपने यूज़ करना है तो आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ की जाएगी. नॉर्मली लाइट रे जब आप किसी पाइप में से पास करते हैं तो लाइट रे जो है वो बाहर इमर्ज आउट नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस कंडीशन को यूज़ करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो अगर आप कंडीशन यूज़ करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, सो व्हाट विल हैपन के लाइट रे इस इंटरनल ग्लास पाइप के साथ लाइट रे स्ट्राइक करेगी एंड देन इट विल बेंड, रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी एंड देन इट विल मूव आउट. अदरवाइज तो लाइट रे यहां से जाके अगर आप नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पाइप यूज करते हैं, कोई पाइप आप यूज़ करेंगे तो लाइट जोन से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, वो उससे बाहर नहीं आ सकती. लेकिन बाय यूजिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप जोन से वो बेंड करके लाइट को ट्रेवल करवा सकते हैं विद इन द पाइप. और ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी प्रोसेस के अंदर ये यूज़ किया जाता है. वो पेशेंट का मुँह खोल के उसके अंदर कैमरा डालते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसको जो है वो डॉक्टर भी देख सकते हैं कि अल्सर इस वक्त कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है. तो ये सारा कमाल आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है. तो आप देखें कि फिजिक्स आपके इर्द गिर्द ऐसे फैली हुई है जैसे उसके फैलने का हक होता है.
हर तरफ फिजिक्स, दाएं फिजिक्स, बाएं फिजिक्स, कैमरा जिससे मैं आपको ये व्यू करवा रहा हूँ। अब अगला टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन करना है वो लेंस का है। ये मेरी आंखें, आंखों के अंदर लेंस, आंखों के ऊपर मैंने आंखें लगा ली, इसके अंदर लेंस, कैमरे के अंदर लेंस, प्रोजेक्टर के अंदर लेंस, फोटोकॉपी मशीन के अंदर लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर लेंस। यार ये हर तरफ लेंस ही लेंस है। विदाउट लेंसेज वी कैन नॉट सर्वाइव। अब इसने भी लेंस लगाए हुए हैं अपने ग्लासेस में, मैंने भी लेंस लगाए हुए हैं अपने ग्लासेस में, तो टॉपिक आप कौन सा बताएंगे इनका? टॉपिक जो रिजवान अब आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन करके मेरे साथ, टॉपिक हमारा है जी लेंसेज। और लेंसेज में हमने दो तरह के लेंसेज यूज़ करने हैं जी। नंबर वन हम यूज़ करेंगे कन्वर्जिंग लेंस, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कन्वर्जिंग लेंस से आते हैं। फिर सेकंड हम यूज़ करेंगे जी डाइवर्जिंग लेंस। सो कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, तो ये लेंसेज हर तरफ है हमारे। इनको यूज़ कैसे करना है, स्टार्ट करेंगे कन्वर्जिंग लेंस से। सो उसमें रे डायग्राम देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे मैग्निफिकेशन की। सो ओवर टू मिस्टर रिजवान। ये लें जी, आप लगाएं जी माइक। ये इसका सिलेंडर, ये देखें जी, ये माइक का सिलेंडर होता है और ये सारा कमाल है इस सिलेंडर का। ओके, अब सबसे पहले इसके अंदर देखने के कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस में डिफरेंस। लेंस होता क्या है? अ ट्रांसपेरेंट ग्लास थ्रू विच, हाँ जी, थ्रू विच लाइट रिफ्रैक्ट। ठीक है, बिल्कुल, वो रिफ्रैक्ट तो करेगी अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो। अच्छा, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या वो लेंस होगा? जैसे ये ग्लास आप देखें, इसके मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ और इसके क्रॉस यहाँ से भी देख सकता हूँ। सो दिस इज अ लेंस और ये कर्व सर्फिस है। कभी भी लेंस जो है वो फ्लैट सर्फिस का नहीं होगा। अगर फ्लैट सर्फिस का आपके पास पीस ऑफ ग्लास है तो वो ग्लास स्लैब कहलाएगा। बिल्कुल, ओके जी। सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज कन्वेक्स लेंस एंड इसको ऑल्टरनेटिव इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। एंड दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज कनकेव लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस सो एक लेंस कौन सा है जी इसमें कन्वर्जिंग और एक कौन सा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों कहते हैं या कन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज जब लाइट रेज इसमें से पास करती हैं तो ये लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, कलेक्ट करता है। और इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज जब लाइट रेज इसमें से पास करती हैं तो ये लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास करने के बाद स्कैटर्ड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। सो दिस लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, दिस लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड थोड़ी सी टर्म्स हम देख लेते हैं कि क्या इसकी टर्म्स होती हैं। ये जो पार्ट है लेंस का, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इसको मैग्निफाइड कर देता हूँ यहाँ पे। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, एंड यूजुअली इट इज नोटेड बाय सी, सी फॉर सेंटर। ठीक है जी। उसके बाद लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा, प्रिंसिपल कौन सा आएगा, ए एल वाला या एल ई वाला? यार जो पी एल होता है वो होता है इंसान, बंदा है, बशर। और सो पी आर आई एन सी आई पी एल ई प्रिंसिपल एक्सेस। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस जी। ओके, अब जब भी डायग्राम ड्रॉ करनी है ना लेंस, चाहे वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे आपने इसको माइन्यूट सा जो है वो, यानी दो चीज़ें नहीं याद रखनी है आप लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही याद रखनी है।
क्योंकि एक चीज़ याद रखेंगे तो याद रहती है, दो चीज़ें याद नहीं रहती। ये हमेशा ज़रूर इस जगह पे आपने ड्रॉ करना है। ओके, लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, द लाइट रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी तो रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, यानी बेंडिंग होगी इसकी। जी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इस रे को हम कहेंगे पैरेलल रे। यहाँ पे आप लिख दो एक दफ़ा पी, अभी आगे देखें मैं बताता जाऊँगा क्या क्या लिख लें। सो लाइट रे जब पास करेगी आपकी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन फ्रॉम द मिड वी विल बेंड दैट लाइट, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी। जितने भी लाइट रेज आपकी आएंगी, अगर आप यहाँ पे एक और लाइट रे ड्रॉ कर दो, अरे यार ये तो जादू हो गया, ये फिर उसी पॉइंट में से पास कर रही है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का कोई ना कोई हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देंगे। चलो नाम बताओ इसका। इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी जब भी लाइट, तो ये प्रिंसिपल फोकस जरूरी है कि लेंस का राइट साइड पे ही हो? नो, अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है लेफ्ट से तो ये राइट साइड पे होगा, अगर राइट पे है तो लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे प्रिंसिपल फोकस इसका एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से देख रहा हूँ तो वो वहाँ पे होगा, अगर आप उधर से देख रहे हो तो इधर होगा। बिल्कुल इसी तरह ही, ठीक है, चले आगे बताएंगे। सो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ फोर्स का सिंबल भी है, लेकिन यहाँ पे लाइट वाले टॉपिक में कैपिटल एफ डजंट स्टैंड फॉर फोर्स, यहाँ पे कैपिटल एफ स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस। इसका अल्टरनेट नाम भी कोई होता है? फोकल पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इसका नेम था प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा इसका नाम है जी फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। तो दो इसके नाम है और दोनों नाम से आपके पास डेफिनेशन आ सकती है जी के द पॉइंट एट विच all the light rays parallel, all the light rays which are parallel to principal axis after passing through convex lens meets at a point, then that point is called as principal focus or the focal point. अच्छा, ये क्या था? ये था parallel, जब light ray draw करना है, बच्चों को बताते हैं जी कि light ray draw करनी है तो उसके क्या क्या procedure होंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे diverging lens पे। So आप उतनी देर इसको erase कर दो। अच्छा, एक और यहाँ पे डेफिनेशन अभी रहती है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो पेपर में वो पूछते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल एफ मार्क कर देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन ये लिखने जा रहे हैं मुझे पता है, इसने मुझे बताया था कि ये अब ये डेफिनेशन ये डिस्टेंस मैंने किन दो पॉइंट्स में मार्क किया है? ये डिस्टेंस इसने मार्क किया है, अगर आप गौर से देखें तो सेंटर और एफ के दरमियान मार्क किया है। हाँ जी, ऑप्टिकल पंखा बंद कर दीजिएगा। सो ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान मैंने डिस्टेंस मार्क किया है, और ये डिस्टेंस इक्वल होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस। ये डिस्टेंस इक्वल होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, और इस डिस्टेंस को फिर हम कहते हैं स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं जी इस डिस्टेंस को? फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी? फोकल लेंथ, क्या डेफिनेशन बनेगी जी इसकी? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑब्वियसली ये लेंथ है, तो इसका यूनिट डेफिनेटली, क्योंकि स्मॉलर लेंस है तो इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर्स में है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड यूनिट देखें तो फिर इसका यूनिट किस में होगा? मीटर्स में। सो फिर देख लें लेंस से एसोसिएटेड डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या थी? द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या थी?
the ray which are parallel to principal axis after passing through the converging lens, they meet, they intersect at the single point, and that single point is called as principal focus, and it is denoted by capital F. उसके बाद मैंने डिस्टेंस मार्क किया ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के इन बिटवीन, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. सो स्मॉल एफ इसमें आपने याद रखना है, कैपिटल सी इसमें याद रखना है, एंड कैपिटल एफ याद रखना है. डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. डाइवर्जिंग लेंस में भी यही चीज़ें हम कंसिडर करते हैं. सो कन्वर्जिंग लेंस की क्लियर होगी, अब मैं डाइवर्जिंग लेंस की यहाँ पे ड्रॉ करके इन सब चीज़ों को मार्क करता हूँ. ठीक है, तो उसके बाद रे डायग्राम भी आप बताएंगे कि कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करनी है. जी जी, रे डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए. रे डायग्राम का क्वेश्चन गिवन होता है आपको, लेंस उन्होंने दिया होता है और उन्होंने कहा होता है जी कि आप इमेज की रिलेटेड प्रॉपर्टीज लिखें. आप जो उनसे वो बताएं कि इमेज की प्रॉपर्टीज में इमेज एनलार्ज होगा, इमेज आपका जो उनसे वो अपराइट होगा, इमेज आपका जो उनसे वो मैग्नीफाइड होगा, इमेज आपका डिमेंशन होगा. सो मैनी प्रॉपर्टीज, जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी और मैं इसकी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन आ रही है, हमारे जो उनसे वो एरिया भी सेम है. अब ये देखें क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इसने जो उनसे ये एरिया डोर ड्रॉ कर दी है, जो कर्व साइड है वो इनवर्ट कर दी है, और पहले जो लेंस ड्रॉ किया था उसमें जो कर्व साइड थी वो आउटवर्ड थी. तो अब ये वाला लेंस जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये लेंस हमारा बन जाता है डाइवर्जिंग लेंस. तो डाइवर्जिंग लेंस के नाम से ही आपको जाहिर है कि डाइवर्ज करेगा, स्कैटर करेगा, मूव अवे करेगा, दूसरी तरफ लेके जाएगा लाइट रेज को. कन्वर्जिंग में वो एक जगह पे लेके आता था. इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की, जब आपको ब्रेक होती है ड्यूरिंग योर क्लास, ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम, जब आपको ब्रेक होती है तो क्या करते हो आप लोग सारे, आप लोग क्या करते हो, आप भाग जाते हो, भाग जाते हैं, ये भागने वाले, बल्कि ब्रेक की बेल होने से पहले ही बंदा कोशिश करता है कि क्लास से बाहर निकल के सबसे पहले कैंटीन पे पहुंच जाए, सबसे पहले कैंटीन पे पहुंचे. लेकिन आजकल तो कैंटीन भी जो है वो नहीं खुलेगी जब स्कूल खुलेंगे तो, ड्यू टू कोरोना, कोरोना 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 फिजिक्स कोरोना. सिमिलरली अदर पैरेलल रे आई आपके पास, एंड देन इट विल डाइवर्ज इन दिस डायरेक्शन. तो जब ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाएगी तो फिर आपके पास क्या आता है, अब आपने इसके अंदर फाइंड करना है इसका फोकल पॉइंट कि कहां पे ये लाइट रेज जाके मीट करेंगी, क्योंकि हमने फोकल लेंथ इसकी फाइंड करनी है. तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए फोकल पॉइंट. तो फोकल पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये रेज तो इस डायरेक्शन में जाके मिलेंगी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. कन्वर्जिंग लेंस में क्या हो रहा था कि लाइट रेज आ रही थी और आके मिल रही थी, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा कि लाइट रेज सोर्स से निकल रही है, दे आर मूविंग अवे. जैसे गाड़ी की हेडलाइट है, गाड़ी की हेडलाइट में क्या होता है, अगर आप कभी ऑब्जर्व करें कि गाड़ी की हेडलाइट में बीम और बीम से वो जो है वो लाइट जो है वो स्कैटर कर देती है इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो अब इसका फोकल पॉइंट मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो इसका फोकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं इस रे को मूव करूंगा डॉटेड लाइन में. हाँ, अब एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, डॉटेड लाइन में इसको मूव करेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे जाके ये दोनों लाइट रेज डेफिनेटली मीट करेंगी. तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों लाइट रेज जाके मीट करती हैं, वो पॉइंट इसका कहलाता है फोकल पॉइंट. अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस में कहीं पे भी हमारे पास डॉटेड लाइन नहीं आ रही थी, वहां पे जितनी भी लाइन्स आ रही थी हमारे पास वो कंटिन्यू थी. तो उसमें हमारे पास जो इमेज बनता है कन्वर्जिंग लेंस में, वो इमेज हमारा बनता है रियल इमेज. और यहाँ पे क्योंकि डॉटेड लाइन में आ रही हैं लाइंस, तो जब भी डॉटेड लाइन में लाइंस आएंगी तो वो हमारे पास बनेगा वर्चुअल इमेज. सो वर्चुअल इमेज में आपके पास हमेशा डॉटेड लाइन ज़रूर आती हैं, चाहे एक डॉटेड लाइन आए या एक से ज़्यादा डॉटेड लाइन आए, तो वो आपके पास बन जाता है वर्चुअल इमेज. तो अब इसका हमने फोकल लेंथ फाइंड कर दी है,
तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, फोकल पॉइंट के दरमियान और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ये इसकी होगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो ये दो चीज़ें आपने इन लेंसेज के रेफरेंस से याद रखनी है कि एक आपने ये याद रखना है कि आपके पास फोकल पॉइंट कैसे आपके पास आएगा डाइवर्जिंग लेंस में। सेकंड आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर फोकल लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये अक्सर कैलकुलेट करने के लिए पेपर में आ जाती है। अब हमने जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है वो आपके पास आ रहा है जी रे डायग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं पेपर चेक करता हूँ और स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिया जाता है जी कि आपने रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो उस रे डायग्राम में मोर देन 80-90% स्टूडेंट्स वो इस रे डायग्राम को ठीक तरह से ड्रॉ ही नहीं कर पाते। रीज़न एक तो वो जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो उसको गौर से नहीं सुनते, सेकंड रीज़न वो इसके फिर फर्दर प्रैक्टिस नहीं करते। यार जब आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसके ऊपर कैसे ग्रिप करनी है। जब आपको इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप ही नहीं होगी तो फिर आप जो है वो इसको कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप करने के लिए बहुत लाजमी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो है वो कुछ पॉइंट्स ज़रूरी हैं, उसमें PCF। तो PCF तीन चीज़ें जो उनसे वो रे डायग्राम में ड्रॉ करना ज़रूरी हैं। अब मिस्टर रिजवान इसको आप अरेज कर दें तो हम स्टूडेंट्स को फिर बता सकें कि रे डायग्राम यार ड्रॉ कैसे करनी है। अगर आप लोगों को रे डायग्राम ड्रॉ करनी नहीं आएगी तो आप पेपर में क्या करोगे यार, आप पेपर में कैसे मार्क्स लोगे। तो मार्क्स लेने के लिए रे डायग्राम समझना ज़रूरी है, और समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करने के लिए पास पेपर का होना ज़रूरी है। पास पेपर होने के लिए आपके पास पैसों का होना ज़रूरी है, पैसे होने के लिए आपको अपने मामा पापा के पास जाना ज़रूरी है। तो आप अपने मामा पापा के पास जाएं, उन्हें के पैसे दें, उनसे पैसे लें, अनसॉल्व पेपर लेके आएँ उनसे पैसे लें, अनसॉल्व पेपर लेके आएँ स्टूडेंट रिसोर्स से ले लें, बेशुमार HR ये वो कितने टीचर्स हैं जिनके पास पेपर मार्केट में अवेलेबल है, और भाई उन पास पेपर को लाओ और उनको ला के अलमारी में नहीं रखना। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, इसलिए उनकी रे डायग्राम जो होती है वो ठीक नहीं होती, कि वो पास पेपर को रख देते हो, भाई इनको इस्तेमाल करो, काम में लेके आओ। सो हमने ड्रॉ करना है जी, हमारा जो टॉपिक है टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जी रे डायग्राम। रे डायग्राम, अच्छा कैन यू गेट स्केल प्लीज, स्केल दीजिएगा बेटा मुझे। अब हमने इसमें डिफरेंट इसके यूज देखने हैं कि रे डायग्राम कहाँ कहाँ पे डिफरेंट यूज आते हैं। सो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास गिवन होगा, ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैंने ये लेंस ड्रॉ कर दिया। अच्छा यार इस लेंस में ना उन्होंने ये बताया होगा जी कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो आपने इसकी फोकल लेंथ जो है वो उसको मार्क कर देना है। चले जी फोकल लेंथ हम कर लेते हैं जी, इसके करिएगा 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई नहीं यार रेड वाला क्या इस्तेमाल करना है, अब ये ब्लैक से लगा लिए तो चलो ये चलने दो, ठीक है। सो फोकल लेंथ और ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ हमने मार्क कर लेनी है, इसको मैं एफ कह दूंगा और इसको मैं कह दूंगा 2F, और इसको फिर मैं एफ कह दूंगा और इसको मैं कह दूंगा 2F। सो दोनों साइड्स के ऊपर आपने एफ और 2F मार्क कर लेना है, ठीक है। जब आप एफ और 2F मार्क कर लेंगे, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी, इतना तो आपके पास पेपर में गिवन होगा। उसने कहा होगा जी के ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम 2F, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम 2F, देन ड्रॉ द रे डायग्राम बाय यूजिंग 3 rays टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट
विच इज फॉर्मिंग द इमेज, इमेज प्रॉपर्टीज आपने बतानी है इसकी तीन। तो इसके लिए जो मेथड मैंने सीखा था यूट्यूब के ऊपर, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उसने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था PCF, PCF। यार P स्टैंड करता है पैरेलल को, तो जब आप एक पैरेलल रे ड्रॉ करोगे तो उसको किस में से पास करोगे? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द लेंस से। ओ भाई पैरेलल रे की बात कर रहा हूँ, जो पैरेलल यहाँ पे आएगी तो सेंटर से कैसे पास करेगी? अच्छा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एफ में से पास, एफ में से पास करेगी। ठीक कर रहे हैं अपनी फिजिक्स आप। अच्छा सेकंड रे सी, जब सेंटर में से लाइट रे पास करनी है तो स्ट्रेट जाएगी यहाँ। अच्छा इसके लिए भी एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखो आप लोग, कि जो रे इसके सेंटर में से पास करती है ना लेंस के, अनडेविएट रहती है, वो अपना पाथ कभी चेंज नहीं करती। उसकी रीजन है कि वो उसके ऊपर कितना एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री, चाहे वो कन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस है, जब भी रे उसमें से पास करेगी वो अनडेविएट रहेगी और कभी भी अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। नहीं करेगी तो ना करेगी। ये आप अब लगाइएगा माइक, मैं रे डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। सो यार अब आप देखो, आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है अवे फ्रॉम 2F, तो अब इसकी रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा पी, पी स्टैंड फॉर पैरेलल, तो लाइट रे गई यहाँ पे और ये किस में से पास करेगी? ऑब्वियसली पॉइंट एफ में से, पॉइंट एफ से ये पास करेगी, सो इट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे मैंने एरो साइन मार्क कर दी है। अच्छा जी अब ये आ गया पी स्टैंड फॉर पैरेलल, सी स्टैंड फॉर सेंटर, तो अब मैं सेकेंड रे पास करूंगा सेंटर से। ओ वाह यार ये तो साइड पर जाके मिल रही है, ओके दैट इज फाइन। तो बेटे नॉर्मली आपके पास जो होता है ना, ये पॉइंट है जहां पे ये लाइट रेज जाके मीट कर रही है, यहां पे हम ड्रॉ कर देंगे इसका इमेज। और एरो किस तरह इसका ड्रॉ करेंगे? इसका ऊपर है तो इसका एरो साइन नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसलिए एरो भी इसका डाउनवर्ड आएगा। अच्छा यार ये ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है और इमेज साइज छोटा है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि इमेज इज स्मॉलर, इमेज इज डिमिनिश्ड एज वेल, डिमिनिश्ड स्मॉलर दोनों वर्ड। लेकिन एक ये चीज तो रह गई है, अगर अच्छा बेटा नॉर्मली आपके पास दो रेज से ही इमेज फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे एग्जामिनर लड़के आया हो अपने भाई के साथ हो सकता है, तो वो कहेगा जी ड्रॉ द थर्ड रे एज वेल, तो थर्ड रे कैसे ड्रॉ करेंगे अब बताओ? मुझे क्या पता, खुद बताओ। यार ये देखो, ये मैंने पी कर लिया पैरेलल, सी कर लिया मैंने सेंटर, ठीक है, और अब एफ आएगा। एफ जोन से पहले मैं फोकल पॉइंट में से पास करूंगा इसको। अब ये थर्ड रे अगर उसने पूछी है तो ड्रॉ कर दी, वरना आ बैल मुझे मार वाला हिसाब नहीं आपने करना, और ये लाइन यहां पे जाके इसको कट कर देगी। तो ये सारे पॉइंट जोन से हैं, वो सारी लाइंस एक ही जगह पे जाके एक दूसरे को इंटर का सेक्ट करेंगे, तो वहां पे आके जाके बनेगा इमेज। अच्छा अब एक और चीज, ठहर जो, हाँ बताओ बताओ। इधर देखो, अगर मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, ये मैं, ये ऑब्जेक्ट है ना और ये इमेज है, तो दोनों अपराइट है। अपराइट का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में। अगर जैसे मेरे पास ये मार्कर्स हैं, अगर दोनों के ये ब्लैक कैप्स ऊपर हैं तो दोनों अपराइट्स हैं, ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज। इस तरह भी दोनों हैं तो दोनों अपराइट्स हैं, ठीक है जी। सो अपराइट्स, अगर ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड है और इमेज का एरो डाउनवर्ड है, तो फिर हम क्या कहेंगे? इमेज इज इन्वर्टेड। क्या कहेंगे? इमेज है इन्वर्टेड। फिर क्या कहेंगे? इमेज इज इन्वर्टेड। क्यों कहेंगे, कब कहेंगे? अगर ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड है, इमेज का एरो डाउनवर्ड है, तो फिर हम क्या कहेंगे? इमेज इज इन्वर्टेड। अब इस केस में एक और प्रॉपर्टी, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं, ये भी दोनों इक्वल हाइट के हैं, सो इक्वल इन हाइट कह लेंगे, इक्वल इन हाइट, और ये भी इक्वल इन क्या होगा? हाइट होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह करता हूँ कि ये मेरे पास
ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास इमेज आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज। अब इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो दोनों इन्वर्टेड हैं, इन अदर वर्ड्स इमेज इज इन्वर्टेड, और साइज के विद रेफरेंस वो इमेज और ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें तो इमेज इज डिमिनिश्ड। सो इमेज की दो प्रॉपर्टी हैं, नंबर वन इन्वर्टेड एंड नंबर टू डिमिनिश्ड। अब इस डायग्राम पे किसी भी जगह पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, तो इसका मतलब है कि इमेज कौन सा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। सो इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स आ गई रियल इमेज। अगर यही डायग्राम हो और इसमें ऑब्जेक्ट का ये वाला साइज है और इमेज का ये वाला साइज है, ठीक है जी, ये किसका एक पर्टिकुलर केस आता है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे नंबर वन अपराइट इमेज, नंबर टू। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या लार्जर है, तो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइड, एंड नंबर थ्री ऑब्वियसली जब मैग्नीफाइंग ग्लास में हम इसको पढ़ते हैं तो डॉटेड लाइन से इमेज ड्रॉ करते हैं, तो फिर इसको केस में हमारे पास आएगा वर्चुअल इमेज। सो ये चीज़ें आपने वो याद रखनी है, ओके। अब इस इमेज की पोजीशन डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे टूवर्ड्स द लेंस वैसे वैसे इमेज भी मूव किधर करेगा, अवे फ्रॉम 2f, और उसका साइज क्या होता जाएगा, एनलार्ज होता जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास की एक एग्जाम्पल, ठीक है सर। मैग्नीफाइंग ग्लास का बेसिक पर्पस क्या होता है जी, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखें तो मैग्नीफाइंग ग्लास में आप कभी ऑब्जर्व करें आपको ऑब्जेक्ट जो अंदर वो सीधा नजर आता है, आपने मेरी आंखों में देखा, मैंने आपकी आंखों में देखा, हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, आंखों ही आंखों में देखते रहे, तो बेटे जो आंखों में इमेज बनता है एक दूसरे की आंखों में वो इमेज होता है आपका रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है क्योंकि वो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में जाके बनता है। और अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या एक्चुअली आपके पास आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में आपके पास हमेशा इमेज आपको अपराइट नजर आता है, सीधा नजर आता है और एनलार्ज नजर आता है, और जो इमेज आपका सीधा होता है वो हमेशा आपका वर्चुअल इमेज होता है। मिरर में अगर हम बात करते हैं इमेज की, तो मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा आपका क्या था, वो वर्चुअल इमेज था। तो अब आप हो जाएगी तो आप चले देखते हैं जी मैग्नीफाइंग ग्लास। बेटे ये डायग्राम पेपर में बहुत ज्यादा दफा पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, हर बार पूछी गई है, 100 बार पूछी गई है। सो लेंस ड्रॉ कर दिया जी, सो ये आ गया जी प्रिंसिपल एक्सिस उसका। अब यहां पे फोकल लेंथ मार्क कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस इसका, ये मैंने इतना मार्क किया और यहाँ पे भी मैं मार्क कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा पॉइंट F, ये भी क्या आ जाएगा पॉइंट F, ओके। अब मैग्नीफाइंग ग्लास में स्केल मुझे देना है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस करते हैं बिटवीन, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ऑब्जेक्ट को जहाँ पर सेंटर और F के दरमियान प्लेस करना है, ओके चलो। अब इसके अंदर अगेन टू डायग्राम्स बनेंगी, एक मैं सेंटर में से पास करता हूँ, भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्या याद करोगे, ले जी एक सेंटर से पास कर दी रे, और जो सेंटर से रे पास करती वो हमेशा जाती है स्ट्रेट, पैरेलल रे गई। चलो बेटा अब इसको पास करके दिखाओ आप एफ में से, अब देखो अब क्या होगा, ओ यार तो मसला पैदा हो गया एक, ये तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती आपस में, ये रेस तो मिलेंगे ही नहीं कभी, आप जितनी मर्जी ये रेस लंबी ड्रॉ कर दो, वो रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो फिर क्या करेंगे,
अब उसके लिए फिर क्या करेंगे, मुझे क्या पता क्या करेंगे, और बताता हूँ यार। अच्छा। उसके लिए क्या करेंगे कि अब इन रेज को यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में विद डॉटेड लाइन जी, क्योंकि वो आप वर्चुअली उन लाइंस को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखो यार ये मिलती भी है नहीं मिलती, कहीं रे डायग्राम गलत तो नहीं ड्रॉ कर दी, लाइव जा रहे हो फिर देख लो भाई। मुझे तो वैसे यकीन है नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। यार इसने तो लाइंस को ठीक ड्रॉ कर लिया, यहाँ तो वर्चुअल इमेज बन गया है। अब इस पॉइंट पे ये दोनों रेज, ये थी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों रेज क्या कर रही है एक दूसरे को, इंटरसेप्ट कर दी लेकिन वर्चुअली। और एरो इसका किस तरफ आएगा, अपवर्ड। अच्छा अपवर्ड क्यों आया एरो, क्या रीजन है? क्योंकि रेज इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, अपवर्ड वाली साइड। अच्छा, यानी जिस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट था उसी जगह पे आपका क्या आगे बन गया, इमेज बन गया। इट मींस कि अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। नंबर वन इधर लिखो, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि वो उसी डॉटेड लाइन में आगे उसी क्वाड्रेंट में बन रहा था। और डॉटेड लाइन आई और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट थी उसी साइड पे इमेज बना तो वर्चुअल है, अगर ऑपोजिट साइड पे बनता तो फिर रियल होना था। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट था होता है, ठीक है। अच्छा सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, और यार ये इमेज आप देखो कितना बड़ा बन गया। ऑब्जेक्ट अब्बू जी छोटे हैं और अम्मी जी बड़ी हैं, अम्मी जी ने जो है वो अब्बू जी को खींच के रखा हुआ। चलो सो ये मैग्नीफाइड। अच्छा अब ये इन्वर्टेड है या अपराइट है, ऑब्जेक्ट का एरो किस तरफ है, अपवर्ड। अबू जी भी अपवर्ड है और अम्मी जी भी, अम्मी जी ज्यादा ही अपवर्ड हो गए, ठीक है। अम्मी जी और अपवर्ड है, तो फिर ये होगा अपराइट। अपराइट इसे यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, इस इसकी करेक्टरिस्टिक्स को, लेंस की, लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास। ओ अगर किताब के ऊपर बहुत बारीक, ये देखिए ये मेरे पास ये ग्लासेस हैं, बहुत बारीक लिखा हुआ मुझे नजर नहीं आता, तो आंखों का इलाज करवाओ। वो आंखों का इलाज कराने से बेहतर है बंदा जो उनसे मुझे आंखें लगा ले। ये ग्लास यूज किया मैंने, तो इसको जब मैं ग्लास के पास पढ़ रहा हूँ तो मैं ग्लासेस लगा लेता हूँ, वरना मुझे बहुत दूर दूर तक बहुत चीज़ें साफ साफ नजर आती हैं। ओके तो इसका मतलब ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफी के एनलार्जर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वो जो इतनी बड़ी पिक्चर, और फोटोकॉपी में भी आपने देखा होगा कि फोटोकॉपी शॉप पे जाएं तो वहाँ पे उसने लिखा होता है कि इसको एनलार्ज कॉपी करवा लें, तो इसका मतलब है कि अगर एनलार्ज करनी है तो फिर उस ऑब्जेक्ट को या उस लेंस को इस तरह मूव करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान आ जाती है। और फिर आप जो उसको बताते हो भाई मुझे इसका 2 times चाहिए या 3 times एनलार्जमेंट चाहिए, फोटोकॉपी जो प्रिंट आउट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका पोर्ट्रेट भी बना देता है, पिक्चर भी बना देता है, फोटोकॉपी मटीरियल भी बना, वहाँ पर ऑटोमेटिकली बटन लगे होते हैं, वो जब बटन को प्रेस करते हैं अगर डबल करना है तो वो लेंस ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता है, मूव करता है और एडजस्ट कर लेता है। आप देखते हैं एक डायग्राम उसकी, कौन सी डाइवर्जिंग लेंस की, डाइवर्जिंग लेंस, तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं जी, एक डाइवर्जिंग लेंस की डायग्राम रह गई है। अच्छा कन्वर्जिंग लेंस में और डाइवर्जिंग लेंस में यही डिफरेंस है। पेपर में क्वेश्चन आपका आता है कि कन्वर्जिंग लेंस को आपने ड्रॉ करना है फॉर वर्चुअल इमेज एंड फॉर रियल इमेज, और डाइवर्जिंग लेंस में हमेशा आपका वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ये चीज आप याद रखें। और एनसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो आपने बेटे इसमें तुक्का नहीं लगाना, आपने बकायदा वे डायग्राम कंप्लीट करके फिर आपने बताना है कि क्या किसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है। सो वे डायग्राम में आपने कोई तुक्का चुक्का नहीं लगाना, आपने उसको कंप्लीट करके डायग्राम को आंसर बताना है कि ऑप्शन ए है बी है सी है या डी है। सिमिलरली डाइवर्जिंग लेंस जो है वो आपके पास पेपर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंटली पेपर में भी आया है और रिसेंट के 1-2 साल के पेपर्स में भी आया है, तो आपने वो डाइवर्जिंग लेंस जो है उसकी डायग्राम भी देखनी है कि उसको आपने ड्रॉ कैसे करना है, उसमें इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कहाँ पे यूज किया जाता है। ये कन्वर्टिंग और डाइवर्जिंग लेंस आपके यूज किए जाते हैं ग्लासेस में, कोई शॉर्ट साइटेड है कोई लॉन्ग साइटेड है, तो उसके लिए फिर इमेज उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इमेज उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये सारा आपका जो है वो डाइवर्जिंग लेंस के डायग्राम भी एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको एंड अप करते हैं। ओके जी, इसमें ऑब्जेक्ट में कहाँ प्लेस करूँगा, ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दो यहाँ पे सेंटर और एफ के दरमियान। ओके अब एक लाइन हमने ड्रॉ की कहाँ पे, एक लाइन हमने एज यूजुअल ड्रॉ कर दी सेंटर, यार बात बस वही है पी सी पैरेलल एंड
अदर वन इज द सेंटर. सो पैरेलल में ड्रॉ कर दो. अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है. क्या? जब रे डाइवर्ज करनी है ना, हाँ जी, तो स्केल को हमेशा पहले पॉइंट एफ पे रखना है. अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये मैंने ऑलरेडी इनको बताया, पहले भी मैं इनको बता चुका हूँ. ऊपर करो डाइवर्जिंग लेंस में आपने जब फोकल पॉइंट निकालना होता था तो रे आपने एफ में से पास लाजमी करनी है. अगर लेंस के हम दूसरी साइड पे लाइन को ड्रॉ करेंगे तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उसको हम एज यूजुअल डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करेंगे. कंटिन्यूस लाइन हमेशा लेंस की एक साइड पे और डॉटेड लाइन हमेशा लेंस के दूसरी साइड पे ड्रॉ करते हैं. इसको रिप्रेजेंट कर दो जी ओ से. ये ओ है और ये मेरे पास इमेज है. आप इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर वन, अपराइट. नंबर टू, वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन एक आ गई है तो वर्चुअल के लिए दो डॉटेड लाइन या एक डॉटेड लाइन आ जाए. नंबर थ्री, साइज, डिमिनिश्ड, स्मॉलर. और दो टाइप्स के हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं, एक शॉर्ट साइटेडनेस और एक लॉन्ग साइटेड. शॉर्ट साइटेडनेस में इमेज है वो रेटिना के सामने बनता है, इन फ्रंट बनता है और उसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस. और लॉन्ग साइटेडनेस में इमेज बनता है बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द रेटिना और इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस. सो आई होप कि आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी. इफ़ देयर आर स्टिल एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट्स, या वैसे आप जो है मैसेज कर दीजिएगा तो वैसे भी हम वो उसको रिप्लाई कर देंगे और कमेंट्स तो होते ही हैं. चलें ठीक है जी, आई होप सो कि अब आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है जी, सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम.